टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। 3 अक्टूबर 2019 को सिकंदराबाद में भगवान राम की भव्य बारात का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला कमेटी ने करीब 65 आइटम का समावेश किया, जिसमें 5 बैंड, 4 शहनाई, 25 झांकी, 10 अखाड़े और भगवान का प्रसाद, बम कीर्तन मंडली, सवारी महाराज दशरथ एवं गुरु वशिष्ठ की 9 झांकियां, श्री राम, श्री लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विराजमान थे। चांदी वाली काली अखाड़ा, जिसमें 9 देवियां थी, जनता के साथ मिलकर नृत्य कर रही थी, एक मनमोहक केंद्र बना हुआ था। फूल बंगला, अलौकिक लाइट, इत्र वर्षा, पूर्व वर्षा, पंचमुखी शेरगढ़ी देवी, समस्त कार्यक्रम सराहनीय और सुंदर प्रेरणा स्रोत रहे। हालांकि इस बीच बारिश भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद जब बारिश बंद हुई तो पूरे तरीके से बारात को निकाला गया। इस कार्यक्रम में सुरेश शर्मा, सुशील शर्मा, पिंकी बोरा, पंडित सचिन शर्मा, लक्ष्मी राज सिंह, टीओ राघवेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी सुनील सिंह, विद्युत विभाग के अभियंता अशोक चौधरी का शॉल पहनाकर एवं मेमोंटो देकर सम्मान किया गया। मंच का संचालन ग्रुप से अरविंद दीक्षित और रजनीश प्रारोह ने किया। कमेटी के सदस्यों में प्रदीप कुमार प्रेमी, मनोज जैन बंटी, अशोक चौधरी, राकेश शर्मा, त्रिलोक चंद गर्ग, चुनमुन, जगदीश बजाज समेत सभी सदस्यों ने राम बारात को कड़ी मेहनत कर सफल बनाया। मैं अरविंद दीक्षित, करीब मैं 100 वर्षों से सुन रहा हूँ और करीब 40 वर्षों तो मैं देख रहा हूँ लगातार। कितनी झांकियाँ होती हैं इसमें? करीब 60 और 65 के बीच में झांकियाँ होती हैं। इसका क्या कुछ उद्देश्य होता है? भगवान राम की लीला का मंचन कमेटी द्वारा कराया जाता है, जिसमें एक आदर्श लीला कमेटी आती है जो भगवान के सारे कर्तव्यों को बताती है। चूँकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, अपने मर्यादा में रह करके उन्होंने सारे कार्य किए हैं और वो समाज को भी यही संदेश देते हैं कि हम जो भी कार्य करें मर्यादा में रह कर करें, माँ बाप बड़ा छोटा मान करके उनकी इज्जत करें, सम्मान दें, यही उनकी मिसाल रही है। ये हमारे सिकंदराबाद के अंदर पिछले 40 सालों से ये निकाली जा रही है राम बारात, और मेरे साथ पंडित राकेश शर्मा जी जो हमारे प्रधान हैं रामलीला कमेटी के, और हमारे चुनमुन भाई साहब जो हमारे चेयरमैन हैं रामलीला कमेटी के, और 60 झांकियाँ हमने आज निकाली हैं। बल्कि आज बारिश का बहुत ज़्यादा विघ्न रहा है, फिर भी उसके बाद काफ़ी अच्छा जल्लूस हमारा निकाला गया है। इसका उद्देश्य ये है कि भगवान राम की बारात निकाली, एक समाज में अच्छा संदेश जाए, और एक हमारा धार्मिक पर्व है इसको हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बस यही उद्देश्य, समाज में एक अच्छा उद्देश्य देने के लिए उद्देश्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।